हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अमलेश नागेश जी की फिल्म हंडा रिलीज हो चुकी है। दोस्तों, इससे पहले उनकी फिल्म आई थी ले शुरू हो गई माया के कहानी। भाई, उस फिल्म को मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था और उस फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था उस फिल्म की हीरोइन एल्सा घोष। और उसके बाद अमलेश नागेश सर की फिल्म आई थी गुइया, उसको मैंने तीसरे दिन देखा था और वो फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अब दोस्तों, ये आई है हंडा फिल्म। तो आप लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए या फिर नहीं देखनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा बिना कोई स्पॉइलर दिए। मतलब फिल्म की कहानी को ज़्यादा, मतलब अगर मैं फिल्म की कहानी आपको यहीं पर बता दूंगा इस वीडियो में, तो भाई फिल्म का देखने का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो कहानी मैं बहुत कम बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सबसे पहले बताता हूं फिल्म का इंटरवल से पहले के बारे में। तो दोस्तों, इंटरवल से पहले खूब कॉमेडी है फिल्म में और इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी सी मतलब सस्पेंस वाली हो जाती है, ठीक है। जैसे कि फिल्म का नाम ही है हंडा, तो हंडे की खोज चलती रहती है। तो फिर इंटरवल से पहले खूब कॉमेडी है और इंटरवल के बाद थोड़ा सा सस्पेंस वाली हो जाती है फिल्म। और अमलेश नागेश ने बहुत ज़बरदस्त कॉमेडी की है भाई। इंटरवल से पहले भी ज़बरदस्त कॉमेडी की है और इंटरवल के बाद कॉमेडी थोड़ा सा कम हो जाता है, सस्पेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और फिल्म ओवरऑल ठीक ठाक है, एक बार आप देख सकते हो। और अगर आप अमलेश नागेश सर के बहुत बड़े फैन हो भाई, तो इस फिल्म को आप दो बार, तीन बार, चार बार भी देख सकते हो। और अभी तो ये हाउसफुल जा रही है, टिकट भी साथ